हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। देखिए भैया, आप लोगों को मैं कहा था, क्या कहा था कि मैं आईएससी 12th क्लास का मैं बार बार टेस्ट लेते रहूंगा, जो मौखिक भी होगा और बोर्ड टेस्ट भी होगा। देखिए आज जो है, जो आईएससी 12th क्लास में जो फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वही स्टूडेंट से सुनूंगा और आप लोगों के सामने मैं वो दिखाऊंगा। और देखिएगा, वो लोग जो प्रूफ भी करेंगे, प्रूफ करने वाला जो है चैप्टर नंबर 1, और जो भी स्टूडेंट है कहीं कहीं से सुनाएंगे, कहीं से भी हम सुन सकते हैं। ठीक है, देखिएगा आप लोग। तो चलिए, आइए था विकास, आइए था और लिखिए था अध्यारोपण के सिद्धांत किसे कहते हैं, जल्दी से लिखिए। यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से हो गया। इसको पढ़ो एक बार।
अध्यारोपण के दिन यदि किसी आवेश क्यू के निकट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री स्थित हो तो क्यू पर इन आवेश के कारण वैद्युत बल एफ वन वेक्टर डेन कॉमा एफ टू वेक्टर कॉमा एफ थ्री वेक्टर हो तो कूलम्ब के नियम से दिशा और परिणाम भिन्न भिन्न सदिशों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और क्यू पर बलों का सदिश योगफल क्रियाशील परिणामी बल एफ वेक्टर होगा। अतः एफ वेक्टर बराबर एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर प्लस एफ थ्री वेक्टर के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जाइए बैठिए था। चलिए एगो स्टूडेंट के आप लोग देख लिए, ये ना समझिए कि जितने चैप्टर लिख रहा था तो गूंगा था, उसको बोलने आता है इसलिए एक बार बोलवा दिए समझे। चलिए आगे देखिए बिताने वाला। अब जो है अगला स्टूडेंट को हम बुलाते हैं और वह कूलम्ब का नियम होगा। क्या होगा? कूलम्ब का नियम जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चलिए आइए तो राकेश कुमार आइए तो अब राकेश से बनवा लेते हैं कूलम्ब का प्रमेय। पहले कूलम्ब के नियम को पहले बताइए तब साबित कीजिएगा। पहले बताइए जोर से। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के समानुपाती होता है और उनके दोनों आवेशों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पाथी होता है व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के। चलिए इसको बनाइए था प्रूफ कीजिए था कैसे होता है। एक काम करो इसका भी बोलिए दो, इसका भी बोल दो सामने में क्या क्या मानना है इसको, ठीक है? ताकि लिखने पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। बोल दो आगे सामने क्या क्या हो जाएगा। यदि दो आवेश Q1 एवं Q2 हो तथा इसके बीच की दूरी R हो तथा इन पर लगने वाला बल F हो तो कूलम्ब के नियम से बनाइए कूलम्ब के नियम से। चलिए उधर लिख दीजिए के बराबर, जहाँ के बराबर इधर लिखा। आ गाड़ी आई।
एप्सिलॉन नॉट का मात्रा की सर मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पर लिख दो एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं नहीं 2 होगा 10 के पावर यहाँ पे यह 2 होगा 12 होगा और यहाँ पर देखो तो यहाँ सही है यहाँ पर ये वाला नहीं लिखना था यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं देना था अब हुआ सही अब समझ में आया ना अब हुआ सही बनाए सही यहाँ लेकिन कैमरा के सामने सब गड़बड़ा जाते हैं लेकिन सही बनाया हुआ तो चलिए अब अगला जो है प्रूफ अगला से कराते हैं देखिएगा ध्यान से तो देखिए दोस्तों ये जो है एप्सिलॉन नॉट जो मुक्त आकाश की परावैद्युतता का मान होता है जो ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कभी कभी ऐसा ही मात्रा पूछता है तो यही होता है कभी कभी 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ लिया जाता है तो ये होता है और उसका ऐसा ही मात्रा पूछे तो ये होता है याद रखिएगा कोई दम नहीं है इसमें समझे ना कोई दम नहीं है कूलम्ब के नियम में कहता है निम्न में से कौन सा सही है तो कभी ये वाला दे दिया जाता है समझे ना एफ बराबर कभी आप लोगों को ऐसा भी मिलेगा देखने के लिए कूलम्ब के नियम से तो ये भी सही है क्योंकि नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस में तो देखिए दूरी के विकल्पाती होता है यदि बॉल अगर 10 न्यूटन का लगाया जाए समझ रहे ना तो 10 न्यूटन का बॉल लगाया जाए तो वह दूरी जो है उसका आधा होता है क्या होता है विकल्पाती मतलब बॉल बढ़ेगा तो दूरी घटेगा समझ गए ना क्योंकि यह फोर्स जब हम लोग बढ़ाएंगे तो दूरी जो है ज्यादा तय करेगा तो कम दूरी उसके लिए कम पड़ जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दूरी इतना है ना अगर इसको हम अगर मान लिया जाए यदि इस पर 10 न्यूटन के बल लगाते हैं ठीक है तो दूरी के विकल्पाती होता है बात समझ रहे हैं ना क्योंकि इसको दूरी तय करके और ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा दूर भाग जाएगा उसको छोड़ करके यही बात होता है हम चलिए अगला प्रूफ कराते हैं चलिए अब पुष्पा से अब लिखवा लेते हैं पुष्पा एक गर्ल स्टूडेंट है तो चलिए आइए सर निकलिए उधर निकलिए लिखिए आवेश के संरक्षण और आवेश के मूल गुण लिखिए सर ठीक है ना
अभी आवेश का मूलभूत चलिए लिखा गया एक बार पढ़ दो ऊपर से। आवेश का संरक्षण किसी जैविक निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर होता है जिसे आवेश का संरक्षण कहते हैं। आवेश का मूलभूत एक पहला आवेश एक अदिश राशि है, दूसरा आवेश योगात्मक होता है, तीसरा आवेश संरक्षित होता है, आवेश का क्वांटिकरण होता है, एक समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं बल्कि असमान आवेश आकर्षित होते हैं। चलिए देखिए हम इसके बारे में समझाते हैं कि किसी बिलगित निकाय तो मान लिया जाए कि हमें कोई बिलगित निकाय ले लिए चाहे मान लीजिए मार करवे के तो इसमें जितना आवेश है ना से इसमें रहेगा, कोई इसमें से खींच थोड़ी ना लेगा, इसमें जो आवेश है कोई नहीं खींचेगा इसमें के इसमें रहेगा। आ जो बोर्ड में के है से बोर्ड में रहेगा, इसमें धारा देंगे तभी हमें आवेश जो है एकदम चार्ज। कहते हैं कि हम मोबाइल का चार्ज करने जाते हैं जबकि चार्ज को हम लोग कहते हैं आवेश ही, कोई कहने जाता है कि हो हमें मोबाइलवा में मतलब आवेशित कर दीजिए, कहता है कोई तो नहीं कहता है, यह बात है कि चार्ज कहता है। अब देखिए आवेश के मूल गुण, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश में केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होता है, केवल जानता है कि जहां हमको बलवा मिलेगा मोइती जाकर फटाक से मार देना है,
आवेश योगात्मक होता है, आवेश जो है ना अपन गोतिया के खोज का एक जोड़े हो जाता है, समझे ना। हाँ, आवेश संरक्षी होते हैं, आवेश को पता है ना कि न कभी निर्माण किया जा सकता है, न कभी विनाश किया जा सकता है, जैसे के तैसे है। तो क्या कहते हैं आवेश का क्वांटिटीकरण, आवेश का जो है क्वांटिटीकरण का सूत्र था क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही होता है, इसको याद रखिएगा। जो हमेशा जो होता है पूर्णांक होता है, हमेशा पूर्ण संख्या, या तो जीरो होगा ना तो एक होगा ना तो दू, और जहाँ 0.5 है एनी रहे ना, बने ई रहे इलेक्ट्रॉन तो ई गलत, एकदम हमेशा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एकदम होगा, ऐसे होगा पूरा पूरा पूर्ण संख्या। एक असमान आवेश रहे, मतलब यहाँ पर ना एक ना करके डायरेक्ट रहे असमान आवेश, कि समान है तो समान आवेश प्रतिकर्षित, प्लस प्लस प्रतिकर्षित होते क्या कि दोनों प्लस है, और देखिएगा दू गो पैसा वाला के कहियो नहीं पड़ता है, समझे ना। हाँ, काहे कि पैसा पैसा वाला के नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारे उद्योग ज्यादा चले तो हमारे उद्योग ज्यादा चले, और जबकि वह प्लस माइनस असमान आ जाए तो जानबे करते हैं कि गरीब लेबरवा से फैक्ट्री वाला कम जाएगा काम करने के, आकर्षित हो जाएगा ये, समझे ना। तो वही बात हुआ असमान आवेश आकर्षित, असमान आवेश प्रतिकर्षित, यही फर्क है और कुछ नहीं है। चलिए अगला जो है, अब वीडियो अब नहीं बन, मतलब कि जो कह कर तो लिखवाएंगे नहीं, कहे कि टाइम पास हो जाता है, समझे, अब की बस सुनेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट अब आगे सुनते हैं, तो चलिए अब जो है काजल कुमारी से अब सुनते हैं, चलिए आइए था सुनाओ था क्या था आवेश का क्वांटिटीकरण सुनाओ था। दो वस्तुएं समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति आवेश से आवेशित किया जाता है, तो यदि समान वस्तु की हो तो क्यू बराबर माइनस प्लस इन्हें से व्यक्त किया जाता है, तो इस प्रकार से असतत वेक्टर को आवेश का क्वांटिटीकरण। ठीक है, चलिए अब जो है आगे सुनते हैं, चलिए पूनम कुमारी से सुन लेते हैं, आइए तो निकलने दीजिए उधर से साइड से निकलने दीजिए, यहाँ लड़के बेसी है बेंचे कम है, समझे, क्योंकि छोटा रूम है, बड़का बेंच बैठे वाला नहीं है, एगो अभी तनका देर पहले बात दिखाएंगे, एगो लड़का उधर बैठा है बड़का बेंच वाला पर। तो चलिए बताइए आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रा सिग्मा से, सिग्मा से ऐसा ही मात्रा कूलम मीटर होता है, कूलम प्रति मीटर, कूलम मीटर माइनस वन वही बात, कूलम प्रति मीटर, जाइए बैठिए तो ठीक है, जाइए। देखिए ये दूसरा क्लास है, दूसरा क्लास में लड़का सके देखिए, इधर बड़का बेंच के व्यवस्था है, देख रहे हैं, इधर कहिए कि व्यवस्था नहीं है, देखते हैं तिरपाल बांध के पढ़ाते हैं ऐसे। आई लड़का सके लिए जितना हो सके उतना कीजिए। तो चलिए मंजीत से सुन लेते हैं आवेश का, आवेश का आवेश का मौलिक आवेश सुन लेते हैं, चलिए आइए था आवेश का मूल है, मूल आवेश कहता है उसी को, आइए था मौलिक आवेश। वह आवेश जो अपने अपने बराबर परिमाण के समजातीय आवेश आवेश से निर्वात में एक मीटर की दूरी पर रखने पर 9×10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण होता है। चलिए जाइए बैठिए, ठीक। तो चलिए अब प्रियंका कुमारी से सुन लेते हैं अर्ध चालक किसे कहते हैं, अर्ध चालक बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में 5 नंबर वाला या 2 नंबर वाला पूछ लिया जाता है, आइए तो अर्ध चालक सेमी कंडक्टर कहते हैं उसको, सेमी कंडक्टर बोलिए तो सामने में बोलिए। वैसा पदार्थ जिसे धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती उसे अर्ध चालक, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम, जाइए बैठिए तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब जो है मैं रत्नेश कुमार को ऊंचाई ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए मैं बोला रहा हूँ, उससे लिखवा लेते हैं क्योंकि कहता है कि हम बोलने में हकला जाते हैं, समझे, उसको से लिखवाइए लेते हैं, चलिए आइए था लिखिए था ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर आपका
देखिए दोस्तों, इसमें जो है ऊपर वाला एकदम सही है कि अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब लोअर होता है, ठीक है, जिसके द्वारा उच्च वोल्टेज वाला निम्न प्रत्यावर्ती धारा को मतलब कि को क्या लिया हुआ है, यहाँ पर उच्च वोल्टेज वाला है तो यहाँ पर निम्न वोल्टेज वाला प्रबल धारा में बदला जाता है, यहाँ पर निम्न छूट गया है, ठीक है। अब बात रह गया यहाँ पर कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में इसके द्वारा, ठीक है, निम्न वोल्टेज वाली प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज वाली यहाँ पर हो जाएगा निम्न धारा में बदला जाता है। यहीं पर मिस्टेक हुआ था, एकाई दुगो से मिस्टेक होना भी जरूरी है, सब तेज हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे बुलाते हैं उसको। चलिए अब नीरज कुमार से सुन लेते हैं कि चालक क्या होता है और सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ क्या होता है। ये तो बोलिए सामने में, चालक किसे कहते हैं? सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन सा होता है? चांदी। अगर चांदी न रहेगा तो कॉपर मारिएगा कि अल्मोनियम? अगर चांदी न रहे ऑप्शन में तो कॉपर मारिएगा, अगर चांदी या कॉपर दोनों न रहे तो एल्युमिनियम मारना है। जाइए तो बैठिए तो ठीक है। चलिए अब निशा कुमारी से रैखिक घनत्व सुन लेते हैं, टू नंबर ऑब्जेक्ट में पूछता है। चलिए आइए, तो चलिए सुनाइए सर रैखिक घनत्व आया था। प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण को आवेश रैखिक घनत्व कहते हैं। इसे इसका एसआई मतलब कूलम मीटर इनवर्स। चलिए अब गुंजा कुमारी एक लड़की है, उसको से आवेश का ध्रुवता सुन लेते हैं। ध्रुवता में तो समझ में करते, निकलिए तो जल्दी से समझ जाइएगा।
आवेश का ध्रुवता सुनना है। चलिए सुनाइए तो आवेश का ध्रुवता किसे पाते हैं? किसी पदार्थ में दो आवेश निहित रहता है, जो एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश होता है। दोनों आवेशों को आवेश की ध्रुवता कहते हैं। जाइए बैठे ठीक। चलिए अब रूना कुमारी से हम जो है लिखवाएंगे एप्सिलॉन नोट का मान और एसआई मात्रा और 1/4 एप्सिलॉन नोट का मान दोनों का। आइए था जल्दी आइए, ये है ना कूलम के नियम शुरू में जो साबित करवाए थे वही निकल। जल्दी आइए चलिए लिखिए था जो आता है उससे पहले लिखिए। चलिए ठीक है नीचे वाला चलिए जाइए बैठिए तो ठीक है। देखिए याद कर लीजिएगा इसको, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है। तो चलिए लालू जी से सुनते हैं। आइए तो लालू जी चलिए ध्यान दीजिएगा अर्ध चालक के परिभाषा एवं एग्जाम्पल। अर्ध चालक वैसे पदार्थ है जिनसे होकर धारा का प्रवाह आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उससे सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। जाइए बैठिए था रुक जाइए था। सिलिकॉन का एस आई और जर्मेनियम के जी संकेत होता है। वर्ग 14 के तत्व है याद रखिएगा। हाँ एक सब पर ना है पूरा आधुनिक आधुनिक भौतिकी एक पर निर्भर है सिलिकॉन जर्मेनियम पर। पी इंजेक्शन में आता है आगे करता है। चलिए आगे आप बुलाते हैं। तो चलिए दोस्तों आप जो है संजीव कुमार से सुनते हैं। आइए तो संजीव जी तनिखनी मॉड्यूलन किसे कहते हैं सुनाइए। मॉड्यूलन के इंग्लिश में मॉड्यूलेशन कहते हैं जानते हैं ना आप लोग। चलिए सुनाइए निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों को अधिक दूरियों तक प्रेरित नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रेरित पर निम्न आवृत्ति के संदेश सिग्नलों को आवृत्ति किसी उच्च आवृत्ति के तरंग अध्यारोपित किया जाता है तथा इस प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहते हैं। जाइए बैठिए ठीक है। चलिए अब जो है नाथुराम गौड़ इसका नाम है उसी से सुन लेते हैं। देखिएगा कैसे ये दागता है एकदम गोली के रूप में। आइए तो विद्युत ध्रुवा घूम सुनाइए तो जल्दी आइए। विद्युत ध्रुव के हाँ बोलिए विद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी को गुणनफल को विद्युत ध्रुव तथा अघूर्ण भी कहते हैं। इसका एसआई मात्रा कूलम गुने मीटर होता है। ठीक है बैठ जाइए। कूलम मीटर होता है। चलिए आप देखिए आप सुंदर लाल से सुनेंगे। आइए तो देखिए सुनाइए तो लेजर किरण के गुण दो को सुना दीजिए। समान कला में सभी लंबाई होती है तथा समान किरण में सभी तरह की समान होती है। हो गया दो को जाइए बैठ के ठीक है।